हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू हॉट एंड सॉस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी, जो बहुत जल्दी बन जाएगी फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी भी बनेगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका दिल चाहे कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो आप इस तरीके से इंस्टेंट झटपट फटाफट बना करके आप ये कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं। तो अगर मेरी ये कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई फ्रेंड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप फुल फैट मिल्क, और ये चिल्ड है। कॉफ़ी यूज़ करेंगे, कॉफ़ी पाउडर, शुगर यूज़ करेंगे, आइस क्यूब, और हम थोड़ा सा आइसक्रीम भी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आइसक्रीम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम एक जार लेंगे और इसमें हम अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। तो इस जार में सबसे पहले हम दूध डाल देते हैं, उसके बाद से हम इसमें अपना शुगर डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच शुगर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब के बाद हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। तो मैंने 1.5 स्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है, और 2 स्कूप हम आइसक्रीम का यूज़ करेंगे। आप वनीला आइसक्रीम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जार का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको हम अच्छे से 2 मिनट तक ग्राइंड होने देंगे। हम जितने अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे, हमारी कॉफ़ी उतनी स्मूथ और अच्छी बनेगी। तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से ग्राइंड ज़रूर करें। 2 से 2.5 मिनट तक जार को हम चला के ग्राइंड करेंगे और हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि हमारी कॉफ़ी कितनी स्मूथ है और ये बहुत टेस्टी है। मैं इसको ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसको चॉकलेट सिरम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट सिरम से अपने ग्लास को भी डेकोरेट करके इसको सर्व कर सकते हैं। मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ और ये बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। और ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके